में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा से बिगड़ गई, तो MRI से निकला कि उनको कैंसर है बैकबोन में। हमको कोई पता नहीं था कि पिताजी का स्टेज 4 में। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी चली आई थी कि मैं फैमिली को संभालूँ और मेरे फ्यूचर को देखूँ। नीट की जो एग्ज़ाम है, मतलब मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने के लिए, तो 11th में मैं जाना मेरे दोस्त से। 12th में मैं 2020 में ख़त्म किया, तो वहाँ पर मेरा स्कोर आया 12th में 85.5% आया। तो उसके बाद मैं कोरोना आया था 2020 में, तो मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था बायो का, वो पोस्टपोन हो गया था, वो एक्सटेंड हो गया था। उसका डेट जुलाई को होना था, तो जुलाई में चलाया, तो मैं घर घर के चलाया। मतलब मार्च में जब कोरोना आया तो मैं घर चलाया। तो मैं वहाँ पर बायोलॉजी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था और नीट का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था। तो उसी और वक्त 2020 में तुमने 12th पास किए ट्वेल्थ थे, पास किए। अब तुम नीट का एग्ज़ाम लेने जा रहे हो। हाँ, ठीक है। 2020 जुलाई में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा से बिगड़ गई, तो हमने उनको न्यूरोलॉजी के पास लिया। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने 1 महीने के लिए दवाई दी, मतलब उससे कुछ काम नहीं बन रहा था, मतलब तबीयत तो थोड़ी, इस समय पिताजी कहाँ पे थे, गांव में कि शहर में तुम्हारे साथ? मतलब शहर, मतलब छोटा सा शहर था, वहीं पर थे, ये क्या नाम है शहर का? बालीचंद्रपुर। बालीचंद्रपुर। तो पूरा परिवार यहीं आ गया था? हाँ, वहीं पर थे, मत बचपन से वहीं पर थे। तो अच्छा। वहीं पर मतलब हम कटक SCB में गए थे पिताजी को लेकर न्यूरोलॉजी के पास। तो न्यूरोलॉजी वाले ने हमको 1 महीने के लिए दवाई दी थी पिताजी को, तो उससे कुछ काम नहीं बन रहा था, तो हम फिर से ऑर्थोपेडिक्स के पास गए। तो वहाँ पर हम MRI की, तो MRI से निकला कि उनको कैंसर है बैकबोन में। तो हमको ये बात पता चली जुलाई को। तो उसके बाद नीट का एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो गया था सितंबर को। तो मतलब इसी बीच मेरा पिताजी की वो जो मतलब वो लाइट्स वगैरह पड़ रहा था वहाँ पर, मतलब लुम्बार तो भाटीपरा में, वहीं पर उनके कैंसर की बोन कैंसर हुई थी। तो इससे क्या हुआ था कि उनकी पिछली हिस्सा, मतलब जो लोअर लिम्ब है, वो पैरलाइज हो गया था पूरी तरह से, तो वो व्हीलचेयर में बैठ गए थे। तो पापा स्कूल में टीचर थे और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई, तो फिर टीचिंग तो छोड़नी पड़ी होगी। टीचिंग नहीं छोड़ी थी, मतलब वहाँ उस वक्त कोरोना की चल रहा था फर्स्ट वेव, तो स्कूल बंद थी, मतलब उस वक्त ऑनलाइन में क्लासेस हो रहा था। तो ऑनलाइन में जो क्लासेस हो रहा था, तो वो घर में बैठकर ही कर रहे थे तो क्लासेस। डॉक्टर ने क्या बोला था कि मतलब कैंसर है बट इट कैन बी डॉक्टर, ट्रीटेड? मतलब हमको कोई पता नहीं था कि पिताजी का स्टेज 4 में मतलब है। तो हमको ये कहा था कि डॉक्टर ने कि आप उनको अच्छी सी ट्रीटमेंट दो, मतलब हम घर में, तो वो अच्छे हो सकते हैं, मतलब फिर से चल चल सकते हैं। तो हमने वही की कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा था। मतलब मेरा पिताजी के ट्यूशन थी घर में, कोचिंग सेंटर थी हमारी, तो वो कोरोना के वक्त तो घर में पढ़ रहे थे बच्चे। तो जो बच्चे आ रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि मतलब वो बच्चे जो आ रहे हैं, तो उनको थोड़े पढ़ा लेना, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उनको मतलब शिक्षा आधी से, मतलब आधा आधा नहीं रहना चाहिए, तो उनके पूरा सिलेबस ख़त्म करनी है। तो हम जुलाई अगस्त सितंबर ये जो महीना है, तो ये आधा सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, मतलब शुरू हो गया था। तो उनको कोई दूसरे कोचिंग वाले वो अलाउ नहीं करेंगे कि आधा सिलेबस ख़त्म हुआ है तो उनको हमारा इंस्टीट्यूट में लेने के लिए। तो हम वहाँ पर पढ़ा रहे थे, तो मैथ्स और साइंस वही पढ़ा रहे थे हम। और आप? हाँ, अच्छा। हम पढ़ा रहे थे वहीं पर 11th, मतलब 10th और 9th के बच्चे को। जब से पिताजी की तबीयत खराब हुई फिर आप हाँ, पढ़ाने लगे। हाँ। और अभी नीट का पेपर होने वाला है? मतलब नीट का पेपर छूट गया है छूट मेरा गया। उसके अंदर, क्योंकि पिताजी को मेडिकल लेना है, और घर में भी मैं और मेरा माँ और बड़ा दीदी है। तो मैं माँ जी के साथ जाता था मेडिकल में। तो जिम्मेदारी तुम्हारे पे आ हाँ, गई। तो उसके बीच मेरा मतलब नीट का भी पेपर छूट गया, मतलब मैंने नहीं दिया उस वक्त। तो क्या सोचा था, अगले साल दूंगा? हाँ, अगले साल अच्छे से रहते प्रिपेयर करके दूंगा। मतलब वहीं पर पिताजी ने भी बोला कि तुम चले जाओ कोई ऑफलाइन कोचिंग, मतलब वहाँ उस वक्त तो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं हो रहा था,
मतलब ऑनलाइन में हो रहा था, मतलब मुझे इतने ट्रस्ट भी नहीं था ऑनलाइन कोचिंग में, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं किया, मतलब घर में बैठा। मतलब डॉक्टर जी बोले थे कि पिताजी का ख्याल रखना, मतलब इस फेज में मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी चली आई थी कि मैं फैमिली को संभालूँ और मेरे फ्यूचर को देखूँ, तो मैं अपने फैमिली को ही चूज़ किया।